गुड मॉर्निंग शार्क्स. मॉर्निंग. मैं हूं अगरगेश. और मैं अविनाश. हम चेन्नई से आए हैं. भारत में क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अबाउट 2 लाख पेशेंट्स हैं और इनकी तादाद हर साल 40,000 से बढ़ती रहती है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट खुद ही एक बहुत ही पेनफुल और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है एंड अनफॉर्चुनेटली इनकी पेन ट्रांसप्लांट के बाद भी कंटिन्यू होती है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ज़रूरत पड़ता है नए ऑर्गन की, जिसके लिए उन्हें रेगुलर बायोप्सी का ज़रूरत पड़ता है, जो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत महंगी, पेनफुल और रिस्की भी है. इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बिल्ड किए हैं, दैट इज ट्रूनोम. ट्रूनोम एक ऐसा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक सिंपल ब्लड टेस्ट से क्रॉनिक डिजीजेस को अर्ली डायग्नोस करें एंड उनको इजीली मॉनिटर भी कर सकते हैं. सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग ही नहीं बल्कि अदर क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि कैंसर रिकरेंस को भी हम इससे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको गंभीर समस्या को और बढ़ने से पहले उसको रोक सकते हैं. अभी तक हमने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा सैंपल्स टेस्ट कर चुके हैं, 1,500 से अधिक पेशेंट्स के लाइफ को इम्पैक्ट कर चुके हैं एंड सम ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स के साथ भी हमारा टाइप्स अभी बन रहा है. हमारा विजन ये है कि ट्रूनोम के थ्रू 1 बिलियन से ऊपर पेशेंट्स का लाइफ हम इम्पैक्ट कर पाएँ एंड उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें और ये इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल ट्रामा ऑफ इन्वेसिव टेस्ट से दूर रखें. है अबाउट 1.5 crores फॉर 1%. अग्रगेश, अविनाश, वेलकम टू शार्क टैंक. एंड चेन्नई में आप कहां से हैं और कितनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? अन्नासलाई में. अन्नासलाई टी नगर से हैं. ओके ओके. एंड हम पले बड़े अक्रॉस इंडिया से हुए हैं तो हिंदी, बंगाली एंड फ्यू अदर लैंग्वेजेस. अरे वाह. आता है. मेरा एल्डर ब्रदर है ये. तो तमिल तेरी माँ? Tamil Nadu. That's our mother tongue. Okay, okay, okay. I also studied in Chennai. Yes. 4 years engineering. Yes. Okay. Fake engineer. Fake engineer. मुझे ना एक सरल भाषा में समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो. अभी के लिए हम लोग ने बनाया है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम लोग कितना ऑर्गन का रिजेक्शन अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कंक्लूसिवली पेशेंट्स को बताएंगे. कैंसर रिकरेंस कहां से आ रहा है? ये क्या दूसरा एप्लीकेशन है? दूसरा एप्लीकेशन है. ये सेम टेक्नोलॉजी का दूसरा एप्लीकेशन है. तो आप एक ब्लड डायग्नोसिस एंड डीएनए डायग्नोसिस के माध्यम से आज आप 2 एप्लीकेशन में इसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं. एक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट मॉनिटरिंग और एक है रिकरेंस ऑफ कैंसर. करेक्ट. यस. US पेटेंट किसमें मिला है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. कौन से ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट में? एनी ऑर्गन. अगर आपका वाला तरीका ना यूज करें तो अल्टरनेट कैसे मॉनिटर होता है ये रिजेक्शन? अल्टरनेट इसमें बायोप्सी एंड बायोप्सी लेने के लिए एक टिश्यू, किडनी को पंक्चर करके टिश्यू निकाला जाता है, माइक्रोस्कोप में डाल के उसमें देखा जाता है कि अगर रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये लिक्विड बायोप्सी और इसमें सेम रिजल्ट है? 100% एक्यूरेसी है? 100% कंकरेंस है बिटवीन बायोप्सी एंड हमारा टेस्ट. 100% एक्यूरेट. हाँ. वी आर ट्राइंग टू बी अ रूल आउट टेस्ट फॉर बायोप्सी. ग्लोबली कोई भी नहीं कर रहा ये चीज, किसी ने कुछ नहीं कह सकता. ग्लोबली है, टेक्नोलॉजी अप्रोच डिफरेंट है जिसके चलते हमें पेटेंट मिला है. ईसीटी पेटेंट US में ग्रांट हो गया, अभी अलग अलग नेशनल फेस में ग्रांट होगा. अब जो हमारा कॉम्पिटिटर्स है उनका प्राइस पॉइंट अराउंड 3-5x ज्यादा है. आप कितना चार्ज करते हो और कॉम्पिटिटर? अभी हमारा इंडिया में देखें तो अबाउट $500 है एक ब्लड टेस्ट. मतलब 40,000 रुपए के आसपास. 40,000 रुपीस. उनका अराउंड $3,500 है. वो हुआ 2.5 लाख. US में अगर आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो इंडिया में जो चीज 500 की होती है वहाँ $500 की होती है. वहाँ पे कॉस्ट ऑफ पीपल, नर्स की कॉस्ट वो ज्यादा है. तो ये तो आउटसोर्सिंग हो गया ना. पर टेक्नोलॉजी में इनहेरेंटली टेक्नोलॉजी में भी डिफरेंस है. नंबर ऑफ SNPs जो एक सेट ऑफ केमिकल्स है वो हमारा कंजम्पशन कम रखता है. जो नंबर ऑफ ओवरऑल मॉलिकुलर कंपोजिशन वो कम लगता है. तो आपके क्लेम्स पूरी तरह से वैलिडेटेड है कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर? सो हमारे में अभी 3 वर्ल्ड रेनाउंड डॉक्टर्स शेयर होल्डर्स हैं
एंड हमें अवार्ड्स भी मिला है फ्रॉम डिफरेंट पीपल इन द गवर्नमेंट. ड्यूरिंग कोविड हम लोग ने एक कोविड टेस्ट भी लॉन्च किया था, हमें CDSCO अप्रूवल भी उसका मिला है, हमारा फैसिलिटी भी इंडियन FDA जो CDSCO उससे क्लियर्ड है. अभी हम लोग ऑलरेडी एक्टिवली US का अबाउट 5 लीडिंग ट्रांसप्लांट सेंटर्स एंड मेडिकल सेंटर्स से हमारा टाई अप बन रहा है. पेपर वर्क सब साइंड है कि दिस इज जस्ट अ वर्बल कन्वर्सेशन चल रहा है. अभी वर्बल कन्वर्सेशन हुआ है, कुछ साइन नहीं है. इंडिया में हॉस्पिटल साइन. कितने हॉस्पिटल्स के साथ? अबाउट 6 हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है विद फर्म ऑर्डर्स. विद फर्म ऑर्डर्स. अविनाश, और आप ये भी बताइए कि आप क्या करते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है और अग्रगेश क्या देखते हैं बिजनेस? सो एक्चुअली आई एम द साइंटिफिक बैकग्राउंड, आई एम द क्लिनिकल डेंटिस्ट, और ये MBA किया है और ये बिजनेस साइड में देखते हैं, इसलिए वो ज्यादा बोलते हैं. MBA वाले लोग बहुत बोलते हैं. हाँ. क्या उम्र है आपकी और आपकी क्या उम्र है? आई एम 36. He is 28, 29. Amazing. CEO कौन है कंपनी का? मैं. अच्छा, तो आपका क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड है? So I have done my PhD. आपने पहले नहीं बताया आपने PhD किया, बहुत गर्व की बात है. नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इसीलिए डॉक्टर नहीं बोला क्योंकि कुछ लोग गलत समझ बैठेंगे कि मेडिकल डॉक्टर हो गए. किस चीज में थीसिस किया? इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. लेकिन कहाँ से किया आपने PhD? जरा ये भी बता दीजिए. अब मेरा IIT का से. अरे नहीं नहीं, आप तो PhD आए. ये अपना मार्केटिंग में लगा है या नहीं? क्या यार, MBA यहाँ पे रोज आते हैं, PhD कभी कभी आते हैं. PhD बहुत रेयर होते हैं. हाँ. यहाँ देखिए ना अविनाश भाई. हाँ या या. अविनाश ने आंखों से उनको दिया एक कि चुप हो जा. एक्चुअली अन्ना यूनिवर्सिटी से डिग्री अवार्ड है, लेकिन मेरा IIT और अन्ना यूनिवर्सिटी दोनों कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में हुआ था मेरा. अविनाश भाई, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं. थैंक यू. और आप बहुत हम्बल है. वो बात तो कुछ ज्यादा ही. नहीं नहीं, लेकिन आपका वैल्यूएशन हम्बल नहीं है, बहुत बड़ा है. तो इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि वैल्यूएशन का बेसिस क्या है. कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग, हमारा लास्ट ईयर 5 crores पे प्लस रेवेन्यू हो चुका था. इस साल हम लोग ऑन ट्रैक पे हैं अराउंड 10+ crore रेवेन्यू करने के लिए. Guys, just one second, clarification. लास्ट ईयर इसलिए हुआ क्योंकि आपने कोविड टेस्ट लॉन्च किया, तो आपके कोर बिजनेस में नहीं हुआ ये. मैं गलत भी हो सकता. हाफ हाफ है, 2.5 crores फ्रॉम ट्रूनोम. अभी हमारा ट्रूनोम का रन रेट चल रहा है अराउंड 35 lakhs पर मंथ. 4-5 crore तक का हमारा ट्रूनोम का बिजनेस रहेगा इस साल. फिर 150 crore का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया? हमारा लास्ट राउंड हम लोगों ने 75 crores पे रेस किया है अराउंड 1.5 months बैक. दिस इज प्री पेटेंट. तो आपका विजन क्या है, करना क्या चाहते हो 5 साल में? इसका एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाए जिसके थ्रू डिफरेंट क्रॉनिक कंडीशंस को हम लोग अर्ली डायग्नोस एंड मॉनिटर किए, एंड उसके थ्रू हम ज्यादा लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर पाए. दैट्स द प्राइमरी विजन. पैसे कमाते हो? हाँ. अबाउट 1 lakh EBITDA रहता है ऑन एवरेज पर मंथ. अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर हाई है क्योंकि बहुत सारा R&D टीम है. फिक्स्ड कॉस्ट हाई? फिक्स्ड कॉस्ट हाई. प्रोडक्ट टीम में कौन कौन है, कितने लोग हैं? सारे अभी चेन्नई में हैं, कुछ कुछ टेल अविव यूनिवर्सिटी से PhD एंड पोस्ट डॉक किए हैं, कोई मद्रास यूनिवर्सिटी किया है, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से किया है. चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ. देखो, देर इज समथिंग गुड अबाउट यू गाइस. आपने बताया भी नहीं आप PhD है, मुझे लग रहा है आप में बहुत ह्यूमिलिटी है. पर क्योंकि आप इंडिया से एफर्ट कर रहे हो और आपने इतनी बढ़िया टीम भी बना ली है, मैं आपको ऑफर देता हूँ 1.5 crore फॉर 2%, जो आपका लास्ट राउंड हुआ था 75 crore, सेम वैल्यूएशन. मुझे पता है आपका पेटेंट आया इस दौरान, पर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ मदद चाहते होंगे शार्क से भी. 5 साल में अंदाजा रेवेन्यू में, पैसों में क्या होगा मार्केट साइज इंडिया में और विश्व? कंबाइंड जो मार्केट साइज होगा विल बी अराउंड 25-30 billion dollars का मार्केट अपॉर्चुनिटी है. 25-30 billion इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. अच्छा जी. अभी उसमें से हमारा वी एस्टिमेट कि एटलीस्ट 500-600 million dollars का रेवेन्यू बनेगा. आप 5 साल में 4,000 crore की बिजनेस बना लेंगे. द टेक्नोलॉजी इज टू दैट स्टेज. आप चाहो तो प्राइस बढ़ा के EBITDA बढ़ा सकते हो, करेक्ट? हाँ. अभी बट आप क्यों नहीं बढ़ाते? वी हैव अ कॉन्शियस कि अगर हम पेशेंट्स का इतना
पॉकेट में दवा डाल देंगे. बहुत अच्छा. वेरी नाइस. आपने कभी गॉडफादर देखी? हाँ, बहुत पहले देखा था उसको. आई मेक यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज. 1.5 crores for 1.75. मेरी भी ऑफर है. मैं आपकी आईआईटी मद्रास की सीनियर हूँ. 2005 बैच. अलुमना एंगल. अलुमना एंगल. तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ. 75 lakhs in debt, interest free, and 75 lakhs in equity for 1% of the business. देखिए, आप एक थोड़ा सा रियलिटी चेक कीजिए. आपका प्रूवन है अभी तक 2.5 crore रेवेन्यू नॉन कोविड का. उसमें पूरा का पूरा आ रहा है एक ही एप्लीकेशन जिसका US पेटेंट है, विच इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंडिया में इतना पोटेंशियल नहीं है. वो जो एक अवेयरनेस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, जो टैम बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म है. और यू नो, एक कहावत है कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता तो इट वुड कट थ्रू बटर लाइक अ हॉट नाइफ. मतलब इतने सारे ऑर्डर्स लाइन होती आपके पास. तो फिर यहाँ भी नहीं आते. नो, वन सेकेंड, लेट मी फिनिश. I was willing to take a bet on you, but जहाँ मुझे problem हो रहा है is that 2.5 crore revenue हो चुका है, hardly 5 hospitals ने sign up किया है, और आप बात कर रहे हैं 30 billion TAM, 4,000 crore revenue in 5 years. कुछ clarity नहीं है, सब हवा में बातें हो रही है. So for me, it's very early, but I wish you the best, but I'm out. नमिता जी out हो गई. तो अभी आपके पास 3 ऑफर्स हैं. और अमन, अगर आपका डिसीजन बन गया हो या क्वेश्चंस हो तो. मेरे को अग्रगेश को देख के ना अपनी याद आ रही. मैं इतना ही हम्बल हूं जितना ये है. बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर. अविनाश है वो. अविनाश. अविनाश से मिलकर. नाम तो सही पकड़ लो बेचारा. आप इक्विटी लेना चाहते हो या डेट? कॉम्बिनेशन इट्स फाइन, बट इक्विटी रहेगा तो बेटर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरा ऑफर लोगे कि नहीं, उसके बाद ही ऑफर देंगे. 1.75 आप चारों कंबाइन कर सकते हो, तो दैट विल बी आल्सो ग्रेट. फिर तो 2% लगे. 2%. हाँ. 1.5 crores for 2%, where all 4 of us will come together with our expertise. आगे भी कैपिटल का रेस का रिक्वायरमेंट रहेगा. अभी 3 crores एट 2.5% ऐसे कर सकते हैं. तो हमें भी पता आपको और पैसा लगेगा. करेक्ट. अगर आप डील थोड़ा स्वीटन कर देंगे तो 3 crore भी हम दे सकते हैं. पर क्या आप 5% देंगे 3 crore देंगे? वो डाउन राउंड अभी नहीं ले सकते. हम चारों आएंगे. 1.5 crores 4 sharks फॉर 2%. ये हमारा ओनली ऑफर है और कोई ऑफर नहीं है हमारे पास. श्योर, डील डील पक्की. शार्क, यू नो व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट दिस डील? बड़े भाई, आपको बताऊंगा बड़े भाई कि यहाँ पर एक ही फार्मा है और उनके अलावा बाकी सब इस डील में है. थैंक यू मैम. थैंक यू. एंड मैं चाहता हूँ कि आप फार्मा को प्रूव करें कि आप कुछ बड़ा करेंगे. अगर आपने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, I'll be the happiest. Oh, we'll be very happy. I'll be the happy. Thank you. Definitely. Well done. Thank you. Thank you.